आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। कन्नौज जनपद की छिबरामऊ विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा में आकर भाजपा प्रत्याशी अर्चना पांडे के लिए माहौल बनाया। सौरी रोड स्थित एक कोल्ड स्टोर में केशव प्रसाद मौर्य का आना भाजपा के लिए एक सामान्य जनसभा नहीं थी, बल्कि चुनाव में हार जीत का परिणाम देने वाली एक बिरादरी यानी कि शाक्य मौर्य समाज की बड़ी रणनीति के तहत जनसभा आयोजित की गई थी। केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान राजनीतिक दौर में मौर्य समाज के भाजपा में सबसे ब्रांड नेता और चेहरे माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के आने से विधानसभा छिबरामऊ में शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी बिरादरी के लगभग 40,000 मतदाताओं पर फोकस किया गया है। ये बिरादरी स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़कर जाने के बाद से कुछ हद तक भटक या यूं कहें बिखर चुकी है। इसी वोट बैंक पर भाजपा ने रणनीति के तहत फोकस किया है और उसे साधने के लिए चुनाव से महज 4 दिन पूर्व केशव प्रसाद मौर्य की सभा आयोजित कर डाली। इस बेल्ट में ये बिरादरी अधिक संख्या में है, जिसके कारण डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया और अपनी बिरादरी को भाजपा के मंच पर पूरी तरह से लाने की कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य की सौरी रोड पर ये जनसभा प्रत्याशी अर्चना पांडे के लिए आने वाले 20 तारीख को किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं होगी। सब्सक्राइब नाउ। बघेल जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन पर हमला कर दिया। पिछले दिनों हमारी बहन गीता साके पर हमला कर दिया। यह क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या उनका नशा कौन उतारेगा? बताइए, बताइए उनका नशा उतारने का काम मैं आपको जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूँ। अभी ये बहुत गुंडागर्दी करने की सोच रहे हैं। जिन लोगों ने हमला किया, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ रासुका भी लगाएंगे। गुंडागर्दी के बल पर क्या 2017 के पहले दिन द्वारा जनता थी, 2017 से 22 के बीच में किसी ने यहाँ पर गुंडाई करने का साहस किया है क्या? नहीं। आप भरोसा रखना, इतनी गुंडागर्दी पूरी तरह से सदा सर्वदा के लिए समाप्त करके समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने का काम आप सबको करना। सब्सक्राइब नाउ। 10-10 लाख की जमीनों को 10-10 हजार रुपए में लिखा देते थे। लिखाते थे कि नहीं लिखाते थे, बताइए? 5 साल में किसी ने हिम्मत की है क्या कोई जबरदस्ती आपकी जमीन में लिखाने का काम करे? श्री अखिलेश यादव जी, जो आप राजनीति और जाली सर में लगा के जालीदार टोपी जेल के जेब के अंदर रख के देखते हो ना, ये दोनों टोपी उतारने की ताकत जनता के हाथ में। सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने केवल दंगा करने वालों का समर्थन किया है, लेकिन क्या इनकी सरकार में तो 700 दंगे हुए थे, हमारी सरकार में एक दंगा हुआ? दोस्त बताइए हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी का मैं कमल खिलाया, उसका यह परिणाम है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता रहा हूँ, 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और 100 में से 60% मैं नारा लगाता हूँ, 100 में 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा, क्योंकि हम अभी आपको विधायक सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो सारी सुविधाएं गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रधानमंत्री जी से लगातार 1.5 साल से उसको राशन मिल रहा है। तो केवल भाषण सुन करके अखिलेश यादव जी का साइकिल वोट दे देगा? अरे जिसने उनकी सेवा की है, कमल के फूल ने सेवा की है, मोदी जी योगी जी के नेतृत्व भाजपा ने सेवा की है, वोट तो पड़ेगा कि नहीं कमल के फूल पे पड़ेगा? आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से सुमित कुमार की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।